हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और मैंने अपनी अपनी चाय फिनिश की है और ये भी चाय पी रही है। आज मंडे, ये स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि कि आज गुरपुरब है और उसका हॉलीडे है और कबीर अभी सो रहा है। अरविंद गए अपने बैंक और अब हम करते हैं अपना काम घर का। और गाइस, वो उठ चुका तो मैंने उसको सुला दिया है। आज अरगल आपको देखा ही होगा, हम कहाँ गए थे तो ये मैंने ये लबा जाके लगाए थे दोनों मुंह पे और हाथों पे। इसने आके शाम को मुंह भी नहीं धोया और ऐसी सो गई। हाथों का हाल दिखाऊं? ये देखो हाथों का हाल। तो चलो गाइस, फटाफट करते हैं अपना काम और फिर मिलते हो आपसे। फिर हम जाएंगे ट्यूशन। तो गाइस, मैंने कबीर को नहला दिया है और कबीर तो रेडी हो गया है, बस अब आयरा नहाएगी और मैंने नहाना है। तो बाकी मेरा सब क्लीन अप भी हो गया, देख रहे हो आप जैसे। और फटाफट से करते हैं अपना काम घर का और थोड़ा बहुत आइए, बाकी सारा कुछ हो गया। बेडरूम वगैरह सब साफ हो गया, बेडरूम वगैरह सब साफ हो गया और बस अब किचन का थोड़ा सा रह गया। फटाफट से किचन का मेड लेते हैं और इसके बाद हम फटाफट नहाएंगे और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलो गाइस, फटाफट से करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फटाफट से करते हैं अपना क्लीन अप और फिर मिलते हैं आपसे झटपट। तो गाइस, अभी बचे हैं 11:45। वैसे मैं 12:30 नहा ली थी और 11:30 में नहा ली थी और ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। देखो गाइस, ये गिरा है, दिखाई कबीर, ये देख, अब नहीं बोलेगा। कल ये बहुत तेज गिरा, इसकी नाक पे यहाँ पे चोट लगी हुई है। तो ब्रेकफास्ट हो गया आज। आयरा गई है बाहर अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि कबीर उसको खाने नहीं दे रहा था तो वो गई है बाहर। और ये देखो इसकी नोजी पे। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और बच्चे सारे सो गए हैं, दोनों ही सो गए इनफैक्ट। तो मैं बस फटाफट से आ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और आयरा ने जाना ट्यूशन। तो मैंने कहा चलो फटाफट से कर लेते हैं एडिटिंग और उसके बाद आयरा को छोड़ के आते ट्यूशन। तो गाइस, फाइनली बज रही हैं 1:45 और मेरी अभी एडिटिंग ख़त्म हुई है फाइनली। अपलोडिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो अब चलते हैं, बच्चों को उठाते हैं और आयरा को भेजते हैं ट्यूशन, क्योंकि उसने 3 बजे ट्यूशन जाना है। तो चलते हैं जल्दी से। गाइस टाइम देखो, 3:45 हो गया, 3 बजे का ट्यूशन था। 1.5 घंटे से मैं करीब पीछे नहीं, करीब 1 घंटे से मैं चाबी ढूंढ रही हूँ एक्टिवा की। रेडी बैठे हैं, सब कुछ रेडी है, सारे बच्चे भी रेडी हैं, एक्टिवा की चाबी नहीं मिल रही है। हर जगह देख रही हूँ, क्या करें। तो गाइस, फाइनली आयरा की छुट्टी हो गई बिकॉज चाबी मिल नहीं रही एक्टिवा की। तो मैं कैसे जाऊंगी इसको छोड़ने के लिए। तो फिलहाल मैंने रखी है यहाँ चाय और थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ये मांझ लेते हैं, फिर देखते हैं डिनर की तैयारी करते हैं। आप स्कूल तो और ट्यूशन तो जा नहीं सकते, छुट्टी हो गई तो इंजॉय, थोड़ा उसको भी पढ़ा लें। रेडी थी मैं भी, रेडी थी। तो गाइस, ट्यूशन तो जा नहीं पाए तो अब चाय पार्टी से ही पपड़ हो गया ट्यूशन की छुट्टी। गाइस, इसलिए मैं बोलती मम्मी को, पापा को, मम्मी तो ऊपर रख देती, पापा नहीं मानते। मैंने आज मम्मा को एक तरीका दिया, जो आज हम चाबी टांगते हैं ना स्कूटी के नीचे, चाबी वहां रखेंगे, देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। तो गाइस, चुआ
हमारे घर पे दो चूहे। हट जा और होई 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 भाग गया ऊपर। वो भी है ऊपर। अभी निकली हम बाहर खेलने के लिए। तो गाइस अभी आ गए अरविंद और अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने क्योंकि सब्जी है नहीं है, तो चलते हैं सब्जी लेके आते हैं। इसका नाइट व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है ना। चलो आगे हमारी सवारी, चलते हैं हम सब्जी लेके आते हैं। आगे बैठूंगी तो मेरे बाल भी कटाने हैं। क्लैरिटी देखो गाइस, आईफोन है आईफोन। मैंने आज अपने बाल कटाने हैं। इसको करा देना गंजी। खुद होते नहीं थे, अब बोलते मुझे गंजी। और गंजी करा देना गाइस इसको। नहीं गाइस, मुझे मम्मी को बोला गाइस अभी लेने लगे हैं सब्जी। तो गाइस फिलहाल मैं ले रही हूँ सब्जी, धनिया भी ले ही लेते हैं। आजकल धनिया बहुत डिमांड में, सस्ता हुआ पड़ा है। देखते जी, हाँ ठीक है, ये भैया मेरे को सब्जी दे रहे हैं। चलते ना अलग से डालना ही आगे। और इस फूल गोभी भी दे ही दो। छोटे छोटे फूल है ना इस टाइम, छोटे छोटे फूल ये दे दो बस। चलो कितने हो गए, हरी मिर्च डाल देना, धनिया मैंने ले लिया, टमाटर भी हो गए, बस इनफ है। 20, 20, 30, 30, 60, 60, 40, 100 नहीं 60 तो 20, 80 कैसे दिए अमरूद? 60 गाइस तो मैं वेजिटेबल्स अभी लेके आई हूँ, तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, मतलब फ्रिज से सेट करके।
खिचड़ी बन रही, तो आज इसी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। देखो एक चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी, ठीक है। और ये कुकर मेरा अच्छे से गर्म है, तो साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जीरा, और जीरा को हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। और जीरे की स्मेल आने लगी है, तो ये मैंने मूंग की दाल और चावल को भी धो के रखा है, धो के और ये इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, वो भी कलर के लिए, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें ऐड करेंगे हम पानी, और इसको कर देंगे बंद। तो सिंपल और सोबर खिचड़ी। तो गाइस बच के रात के 10 और डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, अब सोने की तैयारी है, तो सोते हैं अब। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय डिनर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।